Hello and welcome back to all of you in my channel. Our dear students, हमने NEET के हवाले से biological जो MCQs है उनका सिलसिला शुरू किया था और आज इस सिलसिले में हम 10 MCQs molecular basis of inheritance की जो chapter है उनसे आपके साथ share कर रहे हैं. तो question number 31 से start कर रहे हैं. सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज इन. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिसमें डेंसिटी के बेस पर हम चीजों को सेपरेट करते हैं. जो मोर डेंसर सब्सटेंस होता है वह सेंट्रीफ्यूज में जो ट्यूब इस्तेमाल होता है उसके बॉटम में रह जाता है और जो लाइट सब्सटेंस है वह ऑन द टॉप वहां पर जो है अपनी पोजिशन अख्तियार कर लेता है. तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज इन, ये किस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हुआ था? तो आप हार्शे चेस एक्सपेरिमेंट, स्टाहल मिसेलसन एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, बोथ एन बी ए एंड बी. देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का जो एक्सपेरिमेंट है ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल यानी डीएनए का जो मॉडल है उसके लिए परफॉर्म किया था. किस साइंटिस्ट ने? स्टाहल एंड मिसेलसन, जो दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस सब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन टू है, स्टाहल एंड मिसेलसन एक्सपेरिमेंट के लिए ये इस्तेमाल हुआ था. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच क्रोमोसोम हैज द मोस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन. इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि किस क्रोमोसोम में जीन की जो तादाद है वह ज्यादा है और किस क्रोमोसोम में इनकी जो तादाद है वह कम है. तो इंसान की जो क्रोमोसोम है वह फियर फॉर्म में मौजूद होता है. तो इसमें क्रोमोसोम नंबर वन जो है ये लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम है, इसमें सबसे ज्यादा जीन है. और जो क्रोमोसोम नंबर 23 है उसमें वाई जो क्रोमोसोम है इन द केस ऑफ मेल ये स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है. तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फोर में क्रोमोसोम नंबर वन एंड क्रोमोसोम नंबर वाई. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब. क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को देखें. प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी गवर्न. अब यहां पर कंप्लीमेंटेरिटी का मतलब क्या है? अगर आप देखें यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर एडेनिन है तो इसके साथ यहां पर होता है थायमिन, इसी तरह गवानीन के साथ साइटोसिन होता है. तो किस प्रिंसिपल में कंप्लीमेंटेरिटी यानी ये जो अमल है वो उकोफजीर होता है? तो यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है डीएनए रिप्लिकेशन. तो अगर आप डीएनए रिप्लिकेशन में देखें, डीएनए रिप्लिकेशन में ऐसा होता है कि डीएनए की कापी जो है बन जाता है. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एडेनिन होता है तो यहाँ पर थायमिन, इसी तरह गवानीन तो नेक्स्ट स्ट्रैंड में यहाँ पर साइटोसिन आ जाएगा. तो डीएनए रिप्लिकेशन में कंप्लीमेंटेरिटी की जो प्रिंसिपल है ये लागू होता है. इसी तरह प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन ये भी होता है और ट्रांसक्रिप्शन में भी होता है. तो यहाँ पर बोथ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, बोथ वन एंड टू. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए सिक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज. देखिए ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा होता है कि आरएनए पॉलीमराइज एक एंजाइम है, वो एक खास जगह से पॉलीमराइजेशन या ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू कर लेता है. तो वो साइड कौन सा साइड होता है? तो जीन में तीन साइड होता है, प्रोमोटर साइड, इसी तरह लास्ट में टर्मिनेटर साइड होता है और यहाँ पर स्ट्रक्चरल रीजन होता है. तो ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज ये प्रोमोटर साइट पर बाइंड होता है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन वन, प्रोमोटर. इसी तरह स्ट्रक्चर रीजन भी नहीं है, टर्मिनेटर भी नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन वन है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानिब. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इफ हाइपोथेटिकली स्विच पोजिशन विथ टर्मिनेटर देन. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक यहाँ पर जीन है तो यहाँ पर ये जो साइट है ये प्रोमोटर साइट है, ये टर्मिनेटर साइट है. इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं और इस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं.
तो हाइपोथेटिकली यानी सपोज अगर हम इसी साइड को यहाँ पर ट्रांसफर कर ले और इसी साइड को यहाँ पर ट्रांसफर कर ले तो फिर क्या होगा। ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देन कोडिंग स्ट्रैंड विल बिकम टेम्प्लेट स्ट्रैंड, इसी तरह सेकंड नंबर टेम्प्लेट स्ट्रैंड विल बिकम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और इसी तरह कोडिंग स्ट्रैंड विल बिकम सेंस स्ट्रैंड। तो आप अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर इस तरह होगा कि अगर आप इन चीजों को अपोजिट साइड पर ले जाते हैं तो ऐसा होगा कि ये भी उलट हो जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाएगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन वन है, देन कोडिंग स्ट्रैंड विल बिकम टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35 है, ए डैश एज डिफाइन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम जीन सिस्टम एंड कोड। तो देखिए इनहेरिटेंस की जो बेसिक यूनिट है जहां पर मालूमात स्टोर होता है वो है जीन, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर ऑप्शन सेकंड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 नंबर, एग्जान और कोडिंग यूनिट अनकोडिंग यूनिट बोथ नन ऑफ दीज। देखिए जीन में दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है एग्जान और इसी तरह नेक्स्ट है एंट्रॉन, एग्जान और इसी तरह एंट्रॉन, एग्जान और इसी तरह एंट्रॉन। तो ये जो एग्जान है ये कोडिंग यूनिट है, यहाँ पर मालूमात होता है और वह जो मालूमात यहाँ पर स्टोर होता है उनसे प्रोटीन बन सकता है, और दूसरा जो यूनिट है एंट्रॉन ये अनकोडिंग यूनिट होता है। फिर इसके बाद एक बात आपको जरूर याद रखना होगा कि ये जो यूकेरियोटिक सेल होता है उसमें एंट्रॉन भी होता है और एग्जान भी होता है, जबकि प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ एग्जान होता है और एंट्रॉन नहीं होता, तो एग्जान आर कोडिंग यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, ये 39 तक जितनी भी एमसीक्यूज है ये कुछ साइंटिस्ट है उनके बेस पर मैंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 37, हु प्रोपोज दैट अमाइनो एसिड कोड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री यूनिट्स ऑफ, यानी किसने कहा कि अमाइनो एसिड वो बन जाते हैं थ्री यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से और उनको हम कोड्स कहते हैं। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है, जियार्ज गेमो। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 जो है, हु मेक आरएनए मॉलिक्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन लैब, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है इन चार साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट है जिन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल बनाया था और वो होता हर गोविंद खुराना। इसी तरह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 38, ये तो हुआ 39 नंबर, हु मेक प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इन द एब्सेंस ऑफ सेल, तो इस ऊपर वाली साइंटिस्ट में जो मार्शल नायरबर्ग है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी प्रोटीन बनाए थे इन्होंने इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट सेल्स। तो ये थी 10 एमसीक्यू जो कि एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह इसके बाद हम पार्ट नंबर सेकंड और इसी तरह थर्ड भी अपलोड करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वसलाम।